वेलकम टू योर एसपाल न्यूज़। और इसमें लेके आया हूँ मैं आपके लिए बहुत बड़ी खबर। तो ध्यान रखिए, अभी भी बढ़ सकता है लॉकडाउन। कोरोना वायरस आउटब्रेक, केस 3 लाख के पार हैं। कोरोना पर केंद्र ले सकता है बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री फिर करेंगे सभी सीएम से बात। नई दिल्ली, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ एक बार फिर विचार विमर्श करेंगे। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्रियों के साथ 16 व 17 जून को संवाद करेंगे। कोरोना संकट को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ यह उनकी 6ठी बातचीत होगी। इस दौरान कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा हो रही है, साथ ही 8 जून से लागू किए जाने वाले अनलॉक 1 की भी समीक्षा होगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद केंद्र सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। दरअसल यह बैठक के ऐसे समय में होने जा रही है जब देश के संक्रमण का मामला 3 लाख के पार जा चुका है। अनलॉक 1 के दौरान आम लोग और कारोबारियों को कई तरह की छूट दी गई ताकि लॉकडाउन से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सके। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी 16 जून को राज्यों के मुख्यमंत्री से बात करेंगे, जबकि 17 जून को केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या फिर वहां के उपराज्यपालों से बात करेंगे। कैबिनेट के सचिव कोरोना के नए उभरते केंद्रों पर पैनी नज़र रखने को कहा है। जंग में आप सैनिकों को नाखुश नहीं रख सकते। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग लड़ रहे चिकित्सक वेतन का भुगतान नहीं करने और उनके रहने की समुचित व्यवस्था नहीं होने पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि युद्ध के दौरान आप सैनिकों को नाराज मत कीजिए, थोड़ा आगे बढ़कर उनकी शिकायतों का समाधान करें। इसलिए बढ़ रही है टेंशन। कोरोना के 3 लाख मामले 1 लाख में होने में लगे 109 दिन, अगले 15 दिन में मरीज 2 गुने। महाराष्ट्र में 3493 नए केस और 127 मौतें, संक्रमित 1 लाख के पार हुई हैं। यह जो है आंकड़ा आपके कुछ समय पहले का है। दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड 2137 नए केस, 71 की मौत हुई है। धार्मिक स्थल, होटल, दफ्तर व मॉल पर नई गाइडलाइन यहां पर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों और शॉपिंग मॉल दफ्तरों को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। शॉपिंग मॉल को लेकर कहा कि मॉल को उच्च जोखिम वाले कर्मचारियों के लिए फ्रंटलाइन काम से बचना चाहिए। होटलों को लेकर कहा गया कि परिसर के अंदर व बाहर उचित भीड़ प्रबंधन होना चाहिए। धार्मिक स्थानों में प्रवेश व निकास द्वारा अलग अलग हों। वहीं दफ्तरें 24 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 40 से 70% की सापेक्ष आर्द्रता होनी चाहिए। इस बीच देश में जारी अनलॉक 1 दौरान रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन हाईवे पर बस व ट्रक की आवाजाही का प्रतिबंध नहीं होगा। जुलाई या अगस्त में पीक पर रह सकता है कोरोना। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आने वाले दिनों में विकराल होने की आशंका इसलिए है क्योंकि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के वाइस चेयरमैन डॉक्टर SP बायोत्रा के मुताबिक जुलाई के मध्य में या अगस्त की शुरुआत में देश में संक्रमितों की संख्या चरम पर हो सकती है। अगले साल की पहली तिमाही से पहले वैक्सीन आने की उम्मीद भी कम ही है। एक दिन में पहली बार 11,000 के पार यहाँ पर हुए हैं। कोरोना के मामलों के हिसाब से भारत में शुक्रवार को ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है, दुनिया का चौथा सबसे प्रभावित देश बना है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड यहाँ पर यह है, 11,113 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और रिकॉर्ड 300। देश में अब तक महामारी से 3 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। लगातार 8 दिनों से 9500 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। मरीजों के उपचार और शवों के रखरखाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा दिल्ली में स्थिति भयावह है। कोरोना मरीजों के इलाज व अस्पताल में मृतकों के शवों को रखने के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सख्त टिप्पणी दी है। इस मामले में केंद्र सरकार के साथ 4 राज्य से नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने लोक नायक प्रकाश नारायण अस्पताल में कोरोना मरीजों के बगल में शव रखने होने के दृश्यों का जिक्र करते हुए दिल्ली की स्थिति भयावह की है। अस्पताल शव तब तक ठीक से नहीं रख पा रहे हैं। मरीज की मौतों को परिजनों को सूचित देने भी जहमत नहीं उठाई जा रही है। कृपया इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।